नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। सिद्धार्थनगर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां वो 3 दिनों तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। इस दौरान राज्यपाल नेपाल भी जाएंगी और सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। तो राज्यपाल के आगमन पर सभी सुरक्षा व्यवस्था पूरे कर लिए गए हैं। जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। राज्यपाल 3 दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर आ रही हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि राज्यपाल नेपाल भी जाएंगी, सिद्धार्थनगर जा रही हैं वो, वहां पे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। और साथ ही जिला प्रशासन भी मुस्तैद है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं पुलिस प्रशासन, क्योंकि राज्यपाल आ रही हैं और जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगी राज्यपाल। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं। रवि, राज्यपाल के आगमन को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जिले में? जी जी शिखा, आपको बताना चाहेंगे कि राज्यपाल को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं, और वहीं पर 3 दिनों तक यहां कार्यक्रम में राज्यपाल महोदया रहेंगे। आज वो जब यहां पहुंची तो पहले लुम्बिनी गई नेपाल राष्ट्र में, और फिर उसके बाद कल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो कपिल वस्तु में स्थित है जी, वहां पर दीक्षांत समारोह में छात्रों को वो जो जैसा है उनको मेडल देंगी और कार्यक्रमों में शामिल होंगी। जी, क्या कुछ कार्यक्रम है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के? रवि, दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं। आज से लेकर के 5 तारीख तक, यानी 3 दिवसीय इनका ये कार्यक्रम है, दौरा है, और ऐसे में ये 3 दिनों तक यहाँ रहेंगी। आज इनका उड़न खटोला यहाँ आया राज्यपाल महोदया को यहाँ पहुँचाने के बाद, फिर वापस आ चला गया। फिर 5 तारीख को ये लौट के उड़न खटोले आएगा और सिद्धार्थनगर से राज्यपाल जी जाएंगे। जी, नेपाल जाने की बात भी कही जा रही है, तो नेपाल कब रवाना होंगी राज्यपाल? जी, लुम्बिनी गई है, जो महात्मा बुद्ध का राजधानी माना गया है, और ऐसे में वो पर्यटक की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भगवान बुद्ध की जन्म स्थली भी सिद्धार्थनगर को माना जाता है, तो ऐसे में वहां जाना दो राष्ट्रों का, नेपाल राष्ट्र और भारत के बीच में जो मित्रता का संबंध है वो प्रगाढ़ हो रहा है, और दूसरी चीजें कहीं ना कहीं ये चुनाव पर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रवि जुड़े थे सिद्धार्थनगर से। चंदौली में आगामी 5 दिसंबर को सीएम योगी के संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है, जिसको लेकर एसपी अंकुर अग्रवाल ने संत कीनाराम मठ का दौरा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इससे पहले योगी 2019 में अघोराचार्य संत कीनाराम मठ गए थे, जहां उन्होंने मठ के लिए 225 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का 5 तारीख को यहाँ पे, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे प्रोग्राम प्रस्तावित है, तो सुरक्षा के लिए हमारे द्वारा जो फोर्स की डिमांड है वो भेज दी गई है। हमारे आईजी साहब को फोर्स की डिमांड भेज दी गई है, जितने रूट्स हैं, जितने ट्रैफिक ड्यूटीज़ हैं, और वो देखा जा रहा है। और यहाँ पे जो बॉम्ब स्क्वाड वगैरह भी सारा जो स्कैन होता है, डॉग स्क्वाड रहता है हमारा, उसकी स्कैनिंग करवाई जाएगी, पूरे एरिया को सैनिटाइज करवाया जाएगा, इमरजेंसी रूट्स देखे जाएंगे, और जितने भी यहाँ एरिया है उसको यहाँ पे अभी आईजी साहब द्वारा और कमिश्नर सर द्वारा भी भ्रमण किया गया है, उनके द्वारा भी निर्देश दिए गए, उनके सारे निर्देशों का पालन किया जाएगा, ताकि सेफली सिक्योरली सीएम सर की विजिट यहाँ पे कंप्लीट। और इस खबर पे हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। तो जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास अजीत? मैम, योगी जी का 5 तारीख को वहाँ पर दौरा होगा बाबा कीनाराम की, और बट उसके बाद ही वहाँ पर जिला प्रशासन एसपी और आईजी के पूरे कल गए थे वहाँ पर निरीक्षण किए, उसके बाद ही उन्होंने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरा सैनिटाइजिंग का करवाया और उसका पूरा व्यवस्था वहां पर किया गया है। जी, तो कितने बजे पहुंचेंगे सीएम योगी? लगभग अभी ये स्पष्ट नहीं होगा कितने बजे, पर पूरी उनकी सुरक्षा के लिए हेलीपैड
पूरी कंप्लीट करवाई जा रही है इस समय जी। और लगभग हमको बताया जा रहा है कि लगभग 10:30 या 11 बजे के लगभग योगी जी का आगमन होगा वहाँ पर जी। तो इससे पहले जो 225 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी मठ के लिए, और इस बार जब सीएम योगी आ रहे हैं तो क्या कुछ सौगात दे सकते हैं? इस बार जो सीएम योगी आ रहे हैं सन 2019 में उन्होंने वहाँ पर घोषणा की थी कि हम बनवाएंगे, फिर उसके बाद बट आने के बाद इस बार आएंगे 225 करोड़ का लागत लगा के वहाँ पर कुछ नया वहाँ पर अथवा दे देंगे, उपहार देंगे वहाँ पर जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजीत जुड़े थे चंदौली से। बलरामपुर के दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 11 दिसंबर को बलरामपुर में बहराइच रोड पर हसुआ डोल गांव के पास आएंगे और सरयू परियोजना देश को समर्पित करेंगे, बटन दबाकर श्रावस्ती में नदी का गेट खोलेंगे। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देश भर में किया जाएगा। आगे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में बात करते हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि अब किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और ये परियोजना जिले के लिए वरदान साबित होगी। तो 11 दिसंबर को पीएम मोदी दौरे पर रहेंगे, बलरामपुर के सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करेंगे, खुद बटन दबाकर इस परियोजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को बलरामपुर में बहराइच रोड पर हंसवा डोल गांव के पास और सरयू परियोजना देश को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि बटन दबाकर श्रावस्ती में नदी का गेट खोलेंगे। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर करीब प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में वाराणसी, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस कार्यक्रम के खत्म होने पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर तक चुनाव प्रबंधन समिति की एक बैठक होना तय था। 2022 के चुनाव जीतने का संकल्प था जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उसे हम कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों के दम पर जीत कर दिखाएंगे और चुनाव हम विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर लड़ेंगे। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा है? राज्य के अंदर कमिश्नरी सा पूरे उत्तर प्रदेश में ये 30 तारीख तक सभी चुनाव जो हमारा प्रबंध समिति है विधानसभा का, उनकी एक बैठक होना था संपूर्ण राज्य के अंदर। लगभग सभी समाप्त हो गए, ये थोड़ा मेरा बढ़ गया था, आज मैं आया था। कुल मिलाकर जो संगठन का एक सिस्टम है नीचे, मतदाता, सदस्यता, बूथ प्रबंधन, प्रचार प्रसार। शाहजहांपुर में ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत जिन विद्यालयों में बाउंड्री वॉल नहीं है उन विद्यालयों को चिन्हित करते हुए वहां पर मनरेगा पंचायत के माध्यम से बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिन विद्यालय में बाउंड्री नहीं है उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। आगे मुख्य विकास अधिकारी चेतावनी देते हुए कहा कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी ऑपरेशन कायाकल्प में काम नहीं कर रहे हैं वो काम करना शुरू कर दे। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सारे विद्यालयों में जो बेसिक एमिनिटी हैं उसको इम्प्रूव किए जाने की व्यवस्था है और ये अनुश्रवण समिति के माध्यम से उसकी समीक्षा की जा रही थी। इसके तहत एक चीज़ें पाई गई हैं कि बहुत सारे जगहों पर कायाकल्प के योजना के अंतर्गत विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का उनके साज सज्जा की व्यवस्थाएं की गई हैं, किंतु खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा तो शाहजहांपुर से ये खबर सामने आ रही है जहां स्कूलों में बाउंड्री वॉल बनाने का काम किया जा रहा है।
कायाकल्प के तहत, और ये सख्त निर्देश दिए हैं कि जहां पे भी जिन विद्यालयों में भी बाउंड्री वॉल नहीं है उन्हें चिन्हित किया जाए, उसकी जानकारी दी जाए। आपको बता दें कि विद्यालयों को चिन्हित करते हुए वहां पर मनरेगा पंचायत के माध्यम से बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू किया जाना है। और इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिन विद्यालयों में बाउंड्री वॉल नहीं है उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। सख्त लहजे में कहा है कि उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी ऑपरेशन कायाकल्प में काम नहीं कर रहे हैं वो काम करना शुरू कर दे। तो सख्त लहजे में कहा है कि जल्द से जल्द काम हो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत, जिन विद्यालयों में बाउंड्री वॉल नहीं है उनको चिन्हित किया जाए, उनकी सूचना दी जाए और जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए। तो शाहजहांपुर से ये खबर सामने आ रही है और हमारे साथ संवाददाता आर्येंद्र जुड़ चुके हैं। आर्येंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, किस तरह से चिन्हित करने को कहा गया है विद्यालयों को? देखिए, यहाँ पर जो है, जिस तरीके से जो बैठक हुई थी उसमें बताया गया है कि जो भी शाहजहांपुर जनपद में जो स्वास्थ्य विभाग है या फिर जो भी विद्यालय है उनका कायाकल्प होना है, और जो नगर पंचायत यानी ग्राम पंचायतों में जो इस समय सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं और पंचायत भवन बने हुए हैं, इनमें देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कमियां जो हैं शासन प्रशासन को मिली हैं, देखने को बड़ा घोटाले मिले हैं जिसमें कहीं ना कहीं, तो इसको लेकर बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ भी अगर इस तरीके से स्कूलों में कायाकल्प जो महाविद्यालयों में नहीं हुआ है, अगर हुआ है, अगर गलत तरीके से हुआ तो उस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी, और जो नहीं हुआ है उसमें लगभग 3 दिन के अंदर उसको कायाकल्प कराना सुनिश्चित किया जाए। अगर नहीं, अगर होता है 3 दिन के अंदर तो उसमें विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जी आर्येंद्र, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत क्या सिर्फ ही बनवाई जाएगी या फिर विद्यालयों में जिस चीज की भी कमी है कायाकल्प करा जाएगा विद्यालयों का? देखिए, अभी हाल में ही प्राइम टीवी ने एक स्कूल का निरीक्षण किया था, उसमें देखा गया था कि बाउंड्री वॉल जो है मिर्जापुर क्षेत्र में जो है प्राथमिक विद्यालय पड़ता है, वहाँ देखा गया था कि लगभग 20-25 साल हो चुके हैं वहाँ का जो है कायाकल्प की, तो दूर की बात छोड़िए वहाँ भी कोई भी आवारा सांड जो है, आवारा पशु है जो आकर उसमें अंदर जाते हैं कोई, और आम जनता लोग उस चीज को स्कूल को यूज करती है, और देखा जा रहा है कि बाउंड्री वॉल लगभग कई सालों से नहीं हुआ, जिस कारण बच्चों में काफी दिक्कतें होती है क्योंकि आने जाने में पानी है, घुस जाता है, कोई भी जानवर आकर घुस जाता है तो काफी दिक्कतें, उनके पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, तो देखा जा रहा है जहाँ तक है कि ऐसे जो स्कूल है उनमें कायाकल्प नहीं होता है, सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है और लगभग 15 से 20 दिन के अंदर जो कायाकल्प होता है वो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने लगता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आर्येंद्र जुड़े हुए थे शाहजहांपुर से। अंबेडकर नगर बसखारी थाने के कल एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले का 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए संज्ञान लिया है। दरअसल युवक का प्रेम प्रसंग हत्यारोपी की बहन के साथ था। आरोपी ने बताया था कि माफी मना करके पर भी वो माना नहीं, और जिसके बाद हत्यारोपी ने युवक को शराब पिलाकर उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। पर कल पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक मर्डर हो गया है। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक राम अतुल यादव का प्रेम संबंध था उसी गांव में एक लड़की के साथ। उसके भाई जिसमें अभियुक्त है अंकित यादव, उसने उसको मना भी किया था फिर भी उससे मिलता जुलता था। रात्रि में दीपक यादव और अंकित यादव दोनों ने मिलकर इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रोशन गुप्ता जुड़ चुके हैं अंबेडकर नगर से। रोशन, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किसने हत्या की है और क्या है पूरा मामला? मामला अंबेडकर नगर के बखाई थाना क्षेत्र का है, जहां एक लड़का एक लड़की जो एक दूसरे से प्रेम करते थे, और सबसे बड़ी बात है कि लड़का लड़के दोनों एक ही गाँव के रहने वाले थे, कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग जो है इन परिजनों को बहुत दुख दे रहा था, और सबसे बड़ी बात है लड़का प्रेम करने के कारण जो है उस गाँव में लड़की पक्ष थोड़ी बदनामी हो रही थी, जिसको लेकर लड़की पक्ष ने कई बार लड़कों को समझाया बुझाया कि मेरे बहन से मिला जाना छोड़ दो, लेकिन लड़का जो है मंगाई का मिला जाना छोड़ नहीं रहा था, जिसको लेकर के उसके भाई अंकित ने जो है अपने एक मित्र दिलीप यादव से सहयोग लेकर के और एक शादी के साथ उसको बुलाया अपने घर पे, उसको शराब पिलाया, शराब पिलाया उसकी हत्या कर दी। कहीं ना कहीं अंबेडकर बड़ी हत्या है जिसको अपनाई के रूप में देखा जा रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रोशन गुप्ता जुड़े थे अंबेडकर नगर से।
फतेहपुर के हथगाम कस्बे के करबला मैदान में बहुजन समाज पार्टी की जनसभा 242 हुसैनगंज विधानसभा बसपा के भावी प्रत्याशी फरीद अहमद की अगुवाई में की गई। जनसभा में पूर्व MLC डॉक्टर विजय प्रसाद मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर विजय प्रसाद ने BJP सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार में कर्मचारियों पर लगाम नहीं लगा पाए। कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की वजह से आम जनता और गरीब आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेनीगंज हरदोई में भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। विद्युत सब स्टेशन बेनीगंज में प्रदर्शन शांतिपूर्ण खत्म हो गया, जिसको लेकर किसानों ने 28 समस्याओं को उपजिलाधिकारी संडीला को मांग पत्र सौंपा है। तो आपको बता दें कि कई दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा था, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कर दिया गया है, और जिसको लेकर 28 समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी संडीला को मांग पत्र सौंपा गया है। कानपुर देहात के नाजिर साहब रिटायरमेंट के बाद भी नाजिर की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि नाजिर के पद पर महिला की तैनाती हो गई है। बावजूद इसके रिटायर नाजिर साहब अभी भी पूरा काम देख रहे हैं। मीडिया के सवाल पूछने पर नाजिर साहब कहते हैं कि वो DM के आदेश पर बैठे हैं। हालांकि उनकी आउटसोर्सिंग में दूसरी जगह नौकरी भी लगी है, लेकिन नाजिर साहब वहां न जाकर मुख्यालय में ही पूरा काम करते देखे जा रहे हैं, जबकि इस बात पर अधिकारी सब कुछ देखकर भी मौन है। तो रिटायरमेंट के पास बाद भी कुर्सी पर डटे हुए हैं नाजिर साहब। उपजिलाधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लिया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सब कुछ पता होने के बाद भी अधिकारी मौन है, जबकि महिला की नियुक्ति भी हो गई है इस पद पर, इसके बावजूद भी वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। कानपुर देहात के नाजिर साहब का ये जो मामला है, रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे, जिसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें कि मीडिया के सवाल पूछने पर नाजिर साहब कहते हैं कि वो DM के आदेश पर बैठे हैं, हालांकि उनकी आउटसोर्सिंग में दूसरी जगह नौकरी भी लग गई है और इस पद पर एक महिला की तैनाती भी कर दी गई है, लेकिन नाजिर साहब वहां जाकर काम करना नहीं चाहते हैं और मुख्यालय में ही पूरा काम देख रहे हैं, जबकि इस बात पर अधिकारी मौन है। तो उपजिलाधिकारी ने इस मामले पे संज्ञान भी लिया है। कानपुर देहात का ये मामला है, जहां व्यक्ति अपने पद से रिटायर होने के बाद भी अपने पूरा काम संभाल रहा है, अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यह अनोखा मामला सामने आया है कानपुर देहात से, जहां उपजिलाधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। रिटायर हो गया है व्यक्ति, उसके बाद भी सारा कामकाज देख रहा है, लेकिन दूसरी जगह नौकरी भी लग गई है, उसके बावजूद भी वो वही काम कर रहे हैं, अपने पहले पद पर ही काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग में दूसरी जगह नौकरी लगने के बाद भी अपने पद का काम देख रहे हैं। वहीं अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां लालगंज तहसील परिसर में नाराज अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार लालगंज पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो किसी भी फाइल का कोई निर्णय नहीं करते हैं, साथ ही CUG नंबर पर फोन भी नहीं उठाया जाता है। इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे SDM ने नाराज अधिवक्ताओं को शांत कराया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपते हुए तहसीलदार और न्यायिक तहसीलदार की कार्यशैली में सुधार करने की अपील की है। लालगंज तहसील में जो तहसीलदार हैं और नायब तहसीलदार हैं, उनके पटल पर अविवादित फाइलें नामांतरण की बहुत सारी पेंडिंग पड़ी हैं, उसमें आदेश नहीं हो रहे हैं। आए दिन वकीलों की ये शिकायत है कि अविवादित मामलों का निस्तारण तहसीलदार और नायब तहसीलदार के स्तर से नहीं हो पा रहा है, जिसके संबंध में उनसे वार्ता मेरे द्वारा की गई, लेकिन वार्ता में कोई संतोषजनक बात सामने नहीं आई। उनकी वही स्थिति जैसे पहले थी, वैसे आज भी रही। इससे अधिवक्ताओं में बड़ा आक्रोश था।
संभल के रजपुरा थाने के गांव महुआ हसनगंज में झाड़ियों में एक युवती का शव मिला था। शव के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ था, जिसके बाद युवती के पिता की तहरीर पर घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतका के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस मामले में मृतका के भाई को ही गिरफ्तार किया गया है और जल्द से जल्द इस मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। संभल से इस खबर पे संवाददाता मुबारक अली जुड़े हुए। मुबारक, क्या है पूरा मामला, किस वजह से मृतका के भाई ने उसकी हत्या की? आपको बता दूं, जनपद संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र का पूरा मामला है और उसमें कल एसपी ने खुलासा किया है। खुलासा करने के बाद जो कल योगी भाई को गिरफ्तार किया है, तो कल योगी भाई जो नाराज था, जो प्रेमी मिला हुआ था, मतलब मिलने के बाद में जो उसकी शादी कर दी थी जिला बदायूं में, और माना जा रहा है, तो उसने कल योगी भाई ने ये कदम उठाया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पे। अगली खबर पे भी हमारे साथ जुड़े रहिए और तमाम जानकारी देते रहिए। वहीं अब अगली खबर भी संभल से है, जहां पर सदर कोतवाली के विक्रम पैलेस दुर्गा कॉलोनी में रामपुर से बारात आई थी, जहां बारात चढ़ते समय रिक्शा वाले के बीच मारपीट हो गई। वहीं दुर्गा कॉलोनी की रहने वाली महिला ने उसके खिलाफ मारपीट का गंभीर आरोप लगाया, जिसकी सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीन लोगों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया। और इस खबर पर भी हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली जुड़े हुए। मुबारक, क्या है पूरा मामला, किस वजह से हुई झड़प? आपको बता दूं, जनपद संभल में जो बारात आई थी कल, बारात आने के बावजूद भी जो रामपुर से बारात आई थी, उसमें जो महिला ने जो आरोप लगाया था, तो छेड़छाड़ कर रहे थे। छेड़छाड़ करने के बाद में विवाद ज्यादा बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद में जब पुलिस घटनास्थल पर मौके पर पहुंची, मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार लिया है, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली जुड़े हुए थे संभल से। और अब आपको सुनाते हैं कि पुलिस का क्या कहना है इस मामले पे। के अंतर्गत कल देर शाम एक बारात में बरातियों व एक सड़क से निकलते हुए रिक्शे वाले के मध्य झगड़ा हुआ, दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट हुई। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तीन लोगों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन किया जा रहा है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।